Hello guys, welcome to Medical Bubble. Again, we are talking about here some syllabus of second year BAMS, which is here Rasa Shastra. Now, उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि कोई भी और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें तो कि ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो रसशास्त्र के अंदर अगर हम बात करते हैं, रसशास्त्र के अंदर एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपकी सिलेबस के अंदर परिभाषा प्रकरण। सो द टॉपिक विच इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज़ परिभाषा प्रकरण। दैट मीन्स सम डेफिनेशंस आर देयर विच आर वेरी मच इम्पोर्टेंट टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रसशास्त्र। ओके, सो हियर सबसे पहले हम बात करते हैं कि रसशास्त्र में है किस लिए, रस का मतलब क्या है। एक्चुअली रस का जो यहाँ पर मतलब लिया गया है, रस का जो मतलब एक्चुअली यहाँ पर जो लिया गया है वो लिया गया है पारद से लिया गया है। ठीक है, वैसे तो रस का मतलब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे, रस मीन्स आहार रस एंड मैनी मोर रसाज आर देयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रस एक बच्चे को भी एक बालक को भी यूज़ किया गया है, फॉर द इन्फांट्स ऑल्सो द रस इज़ यूज्ड, बट द बेसिकली इन द केस ऑफ BAMS सेकेंड ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट रस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पारद। पारद मतलब मर्क्यूरी, दैट मीन्स HG, यू आर लर्न इन दिस थिंग। तो इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड ड्रग्स का फॉर्मूलेशंस अगर हम बात करें, इससे रिलेटेड जो भी ड्रग्स का फॉर्मूलेशन है या प्रोसीजर्स जो भी हैं वो सारे के सारे रसशास्त्र में किए जाते हैं। ठीक है, दैट मींस द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स विद द हेल्प ऑफ नॉन मेटल मेटल्स एंड एनी अदर यू नो मिनरल्स, तो उस चीज़ का जो स्टडी है, उस चीज़ का जो अध्ययन है वो हम रसशास्त्र में करते हैं। अभी हम बात करते हैं इसमें कि जब कभी भी औषधि बनाई जाती है, ठीक है, तो औषधि मतलब मेडिसिन फॉर्मूलेशन जब भी किया जाता था एनिशियन टाइम पर, तो उसमें दो चीज़ें ली जाती थी, आज के टाइम पर भी लिया जाता है बट इसका जिक्र नहीं होता। हम बात करते हैं कि अगर कोई औषधि फॉर्मूलेशन की जा रही है, अगर कोई औषधि निर्माण किया जा रहा है, तो औषधि निर्माण में दो भाग औषधि से मतलब कोई मान लो अगर मैंने बना, यहाँ पर मैं एक बात करता हूँ कि 100 किलोग्राम की मैंने कोई औषधि का फॉर्मूलेशन किया है, तो उसमें दो भाग पॉसिबिलिटी हैं। कैसे कैसे, मान लो औषधि निर्माण के बाद एक आपका वैद्य जो है वो धन्वंतरी भाग करके आपके से ले सकता है। मतलब किसका मतलब क्या है धन्वंतरी भाग का, मतलब कि अगर रोगी के लिए कोई भी या दैट मीन्स पेशेंट के लिए अगर कोई भी औषधि का निर्माण किया गया है, ठीक है, औषधि का निर्माण किया गया है, ठीक है, यानी इसमें कैसे लिखेंगे, रोगी को बनाई गई औषधि से कुछ नियत प्रतिशत धन्वंतरी के नाम पर जो वैद्य को दिया जाता है जो वैद्य को दिया जाता है उसे हम धन्वंतरी भाग बोलते हैं। मतलब कहने का क्या है कि भाई औषधि निर्माण जब हो रहा था तो उसमें जो रोगी के लिए, जो पेशेंट के लिए मेडिसिन्स बनाई गई हैं उसके लिए जो 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 वैद्य है या फिर हम बात करें जो डॉक्टर है, उसने जो मेडिसिन्स का फॉर्मूलेशन किया है वो कुछ भाग जो है अपने लिए धन्वंतरी के नाम पर रख लेता है। अब ये इसमें एक इम्पोर्टेंट बात PG से रिलेटेड या फिर हम बात करें AIEPGT से रिलेटेड जो है वो ये है कि इसमें मात्राएं किसकी कितनी है, द क्वांटिटीज ऑफ तेल एंड घृत, दैट मींस ऑयल और घृत की अगर मात्रा देखते हैं तो वो है आधा भाग, वो कितनी है आधा भाग है, दैट मींस 1/2। वी टॉकिंग अबाउट द अवलेह, तो अवलेह की जो है मात्रा वो है आठवां भाग, दैट मीन्स 1/8। इफ यू टॉकिंग अबाउट चूर्ण दैट मीन्स पाउडर, एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट भस्म, इफ यू टॉकिंग अबाउट द वटी
देन इसकी जो पार्ट्स है वो है सातवां भाग, वो कितना है सातवां भाग, दैट मीन्स 1/7 है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना जरूरी है। इसके बाद एक भाग औषधि निर्माण में और कैसे लिया जा सकता है, वो होता है रुद्र भाग। तो रुद्र से समझ में ही आ रहा है, रुद्र भाग मतलब वैद्य के द्वारा अगर व्यापारी से ठीक है, जो भी बिजनेसमैन है व्यापारी से जो जो लिया जाए, जो भाग लिया जाए व्यापारी से, जो औषधि का भाग लिया जाए, औषधि का भाग लिया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रुद्र भाग बोलते हैं। तो ये कितना होता है, ये 11वां भाग होता है, ठीक है 11वां भाग होता है, ठीक है दैट मीन्स 1/11। ओके नाउ ये व्यापारी कौन हो सकता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं कोई भी, ठीक है ये व्यापारी आपके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, दैट मीन्स कोई भी आपका क्लिनिक जो मेडिकल शॉप पे बैठे रहते हैं वो सारे लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे जो सेकंड ईयर का सिलेबस है उसमें आपको परिभाषा प्रकरण किस किस चीज़ का पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। तो सबसे पहले इसी के बारे में देख लेते हैं कि परिभाषा प्रकरण में आपके सेकंड ईयर के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो टर्मिनोलॉजीज जो आपको पढ़नी है, वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्मिनोलॉजी, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द परिभाषा प्रकरण। सो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी है आवाप, देन नंबर सेकंड आपको पढ़ना है निर्वाप, ओके नंबर सेकंड इज निर्वाप, नंबर थ्री इज द ढालन, नंबर थ्री इज द ढालन, नंबर फोर इज द भावना, नंबर फाइव इज जारणा, नंबर फाइव इज जारणा, एंड नंबर सिक्स इज मूर्छना, नंबर सिक्स इज मूर्छना, नंबर सेवन इज शोधन। ये आप डिटेल में पढ़ना है और भी हैं, शोधन हो गया, नेक्स्ट इज नंबर एट इज मारण, नंबर एट इज मारण, नंबर नाइन इज अमृतीकरण, नंबर नाइन इज अमृतीकरण, नंबर टेन इज लोहितीकरण, लोहितीकरण, ओके सो दीज आर द 10 ओवर हियर टर्मिनोलॉजी। और भी हैं जैसे कि 11 जो है आपकी वो है मृतलोह, ठीक है सॉरी मृतलोह, ठीक है मृतलोह है आपका, एंड देन नंबर 12 इज सत्व पातन, नंबर 12 इज सत्व पातन, नंबर 13 इज शुद्धाव्रत, शुद्धा वर्थ, ठीक है नंबर 14 जो है आपका दैट इज द्रुति, ठीक है द्रुति है, नंबर 15 जो है आपका वो है धातु परीक्षा या फिर अगर हम बोलें तो भस्म परीक्षा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारी भस्म परीक्षाएं, और 16 जो है दैट इज द्रव्य वर्ग, ठीक है। और भी आपके सिलेबस में कुछ चीज़ें दे रखी हैं जैसे त्रिफला त्रिकटु इनकी मित्र पंचक हो गया, ओके द्रव्य वर्ग में अम्ल वर्ग पंचामृत, ये सब भी डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि टर्मिनोलॉजी यहाँ तक हमारी 16 टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए, तो इसके इसलिए हम इसको पहले करेंगे ना। सो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं आप आपकी बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट आवाप, ओके आवाप को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिभा बोलते हैं, आवाप इज ऑल्सो नोन एज अ प्रतिभा, ओके नाउ प्रतिभा जो होती है वो क्या होता है उसके बारे में आप एक बार देख लेते हैं कि किसी धातु आदि द्रव्य को, मतलब किसी धातु आदि द्रव्य को, धातु मतलब क्या होता है मेटल होता है, ओके धातु मतलब क्या होता है मेटल एटसेट्रा, मेटल एटसेट्रा, धातु आदि द्रव्य को अग्नि, दैट मीन्स हीट करके, अग्नि देकर पिघालना मतलब क्या होता है मेल्ट करना और उसके ऊपर चूर्ण मतलब पाउडर डालना, इसी को हम क्या बोलते हैं आवाप या प्रतिवाप कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके पास कोई भी मेटल है, इस तरीके से मेटल में आपने
सम फायर इज़ गिवन बाय यू, ठीक है, सम फायर इज़ गिवन बाय यू, देन क्या हुआ, ये मेटल मेल्ट तो नहीं हुआ, बट ये मेटल क्या हुआ, सॉरी मेल्ट हो गया, और मेल्ट होने के बाद इसके ऊपर आपने चून डाल दिया, चून डाल दिया, तो चून डालने के बाद जब वो भिज जाएगा, दैट मीन्स वो भुजने के बाद उसको हम क्या बोलेंगे, हवा बोलेंगे। ओके, नंबर सेकंड इज, नंबर सेकंड इज निर्वाप। ओके, नंबर सेकंड इज निर्वाप। निर्वाप में क्या करते हैं कि धातु आदि, मतलब कोई भी मेटल है या मेटल से बनी हुई कोई भी चीज़ है, मेटल को हम अग्नि तप्त करते हैं। अग्नि तप्त का मतलब क्या होता है, अग्नि तप्त, अब कब तक अग्नि तप्त करते हैं, रक्त, ये आयुर्वेद का एक टर्म है, रक्त प्रतत तक, दैट मीन्स हम उसको फायर दे रहे हैं, अग्नि तप्त मतलब फायर दे रहे हैं, और कब तक, जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जा रहा। इसमें देखिए आपको इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें पिघलना आ रहा है, दैट मीन्स मेल्टिंग है, यहाँ पर आपको मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत है, यहाँ पर आप में किसी भी मेल्टर को, अगर आप सबसे पहले द्रव्य के मेटल को अग्नि दे रहे हैं तो उसको मेल्टिंग पॉइंट जानना होगा। इसमें आपको चूर्ण, एक स्पेसिफिक चूर्ण उससे डालना है, देन उसको बजाना है, उसको हम आवाप बोल रहे हैं। निर्वाप की यहाँ पर हम बात करें तो धातु जो है मेटल को अग्नि से फायर देके उसको हम रेड हॉट करेंगे, देन उसके इतना प्रोसीजर करने के बाद उसके ऊपर द्रव्य डाल देंगे, द्रव्य डालकर बुझा देंगे, बुझा देने से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब देख रहे हैं आप कि अब इसमें क्या है इम्पोर्टेंट कि जो धातु है उसमें आपने अग्नि तप्त किया, अग्नि तप्त के बाद रक्त प्रतत तक, दैट मीन्स रेड हॉट किया, और रेड हॉट में आपने उसको क्या किया, रेड हॉट के बाद उसको क्या किया, आपने बुझा दिया। इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं आपकी निर्वाप में, एक मान लो यहाँ पर कोई भी एक मेटल है आपके पास, मेटल को आपने हीट प्रोवाइड करी, एंड हीट प्रोवाइड, आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट दिस मेटल इज बिकम रेड हॉट, दिस मेटल इज बिकम रेड हॉट, इफ वी आर टॉकिंग हुई है तो ये क्या हो गया, रेड हॉट हो गया इस तरीके से। तो अग्नि कब तक थी, रेड हॉट होने तक, दैट मीन्स रक्त प्रतत तक आपने उसको अग्नि दी, एंड देन इसके ऊपर आपने सेकेंड प्रोसीजर में क्या किया, कोई भी लिक्विड मान लो, एनी लिक्विड आपने उस पर डाल दिया, लिक्विड डालने से बच गया, तो ये लिक्विड डालने के बाद जो प्रोसीजर हुआ इसी को हम बोलते हैं निर्वाप। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों का। ओके, नाउ इन केस ऑफ ढालन, नेक्स्ट थर्ड वन इज द ढालन। ठीक है, तो ढालन जो होते हैं इसमें क्या करते हैं, धातु आदि को हम मेल्ट करते हैं, धातु आदि को हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, मेल्ट मतलब पिघलते हैं, पिघलते हैं, और उस पर द्रव्य डाल देते हैं, द्रव्य डालने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट क्या है कि निर्वाप और ढालन में आपको इम्पोर्टेंस डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है कि भाई देखो यहाँ पर अग्नि तप्त करना है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, मेल्ट नहीं करना है आपको किसी भी मेटल को, बट ढालन के केस में उसे मेल्ट करके द्रव्य डालना है। देख रहे हो यहाँ पर द्रव्य डालना, आपको एक डाउट आ सकता है कि द्रव्य डालना है तो द्रव्य तो यहाँ भी डाल रहे हैं, बुझा यहाँ भी रहे, तो डिफरेंस क्या है इसके पीछे। बट डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंस यही है कि द्रव्य जो है उसको हम बुझा दे रहे हैं और यहाँ पर रेड हॉट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मेल्ट कर रहे हैं, डिफरेंस ये है। तो इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे। मान लो ये धातु है और धातु को आपने यहाँ पर हीट दी, और हीट देने के बाद उस धातु को आपने नेक्स्ट प्रोसीजर में पिघल लिया, मान लो किसी में पिघल लिया, इसमें ये धातु मेल्टिंग फॉर्म में आ गई। ठीक है, जो आपका मेटल है वो मेल्टिंग फॉर्म में है इस टाइम, और मेल्टिंग फॉर्म में आपने क्या किया, नेक्स्ट प्रोसीजर पहला ये किया, इसको फायर दिया, फायर देने के बाद इसमें मेल्टिंग फॉर्म में आ गया, देन क्या हुआ, इस ही द्रव्य के अंदर आपने जो मेल्टिंग जो था, जो भी मेल्टिंग धातु था, मतलब मेल्टिंग मेटल था, जो मेल्टेड मेटल, उसमें आपने कोई भी एक द्रव्य डाल दिया। ठीक है, मान लो एनी ऑफ द द्रव्य यू गिविंग हेयर, सो उससे क्या हुआ, ये जो धातु होगा इसमें ये कम्प्लीटली बच जाएगा। तो दिस इज़ द ढालन। ढालन प्रोसीजर एक्चुअली बड़े बड़े कंपनी में, बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया में किया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें से फॉर्मेशन कराया जा रहा है। तो आयुर्वेदा के टेक्स्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन, दैट इज़ भावना। वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन, दैट इज भावना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भावना। ठीक है,
तो भावना क्या होता है, यानी द्रव्यादि चूर्ण या भस्म का निर्माण करना। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, द्रव्यादि चूर्ण या भस्म को लेकर मतलब क्या है, उसको हम उसके द्रव्य को क्या करना है, और ज़्यादा उसके अंदर गुणों का जो है बढ़ाना है, दैट मीन प्रॉपर्टीज़ का एनहांसमेंट अगर करना है आपको, तो उसको भावना देनी होती है। अब ये भावना जो टर्म है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आयुर्वेदिक टेक्स्ट से, इसको हम पेशणी में रखकर, पेशणी में मर्दन करना होता है। मर्दन करने के बाद हम क्या करते हैं, जब तक मर्दन करेंगे जब तक ये सूख ना जाए, सुखाने तक मर्दन करेंगे। मर्दन जो होता है वो क्या होता है, ट्राइट्यूरेशन। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा लेकिन अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि इसमें कोई ये आपके पास पात्र है, दैट मीन्स पात्र क्या है, ये पेशणी है जो कि आपके आयुर्वेदिक टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ठीक है, पेशणी। अब इस पेशणी में मान लो आपने कोई भी इस तरीके से चूर्ण या भस्म डाल रखा है। ठीक है, चूर्ण या भस्म डाल रखा है इस तरीके से, उसमें हल्का सा कोई भी आपने द्रव्य ऐड किया, मान लो उदाहरणतः आपने कोई भी इसमें द्रव्य ऐड किया, इस तरीके से द्रव्य ऐड किया, और द्रव्य को ऐड करने के बाद, द्रव्य डालने पर इस जो पेशणी है इसको आप घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे, और घुमाने के बाद तब तक घुमाएंगे तब तक ये सूख नहीं जाता, सूखने तक इसको घुमाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपने चूर्ण या कोई भी इसमें द्रव्य डाला है उसके जो गुण जो हैं वो इन्हांस हो जाएंगे। गुण मीन्स प्रॉपर्टीज जो होती हैं, उसकी वो बढ़ जाती हैं। इसकी वजह से इसको हम करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ऐसा कर क्यों रहे हैं हम, पेशणी से मर्दन क्यों कर रहे हैं, टाइट्रेशन क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए हम गुण का, तो इस एक टेक्स्ट में ये भी लिखा है कि मर्दन हम क्यों करते हैं, ये मर्दन टेक्स्ट का मतलब क्या है। तो आयुर्वेद ने ये बोला है कि मर्दनम गुणम वर्धनम, मतलब मर्दन करने से, टाइट्रेशन करने से गुण जो होती है प्रॉपर्टीज़ में बढ़ावा आ जाता है। इसकी वजह से हम भस्म जो बनी हमारी या फिर कोई चूर्ण बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ को और इन्हांस करने के लिए ये हमें करना पड़ता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो इसको हम अगले पार्ट में नेक्स्ट हम करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।